सियासतदान के हमें हर्डल पे, आप मुझे बताएं कि तरबेला के बाद हम कौन सा डैम बना सकें? उस लेवल का डैम कोई नहीं बना सके। आप मुख्तलिफ ममालिक में जाए, बहुत से हमने स्मॉल और मीडियम साइज डैम से भी जो है वो नहीं कि हमने कहा कि बस शॉर्ट रिलीफ हो, चीज़ें हों। जब तक हम हाइडल पे, अभी कुछ केपी में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट शुरू हैं हाइडल के हवाले से, उस पर हम काम कर रहे हैं कि हो जाए। सोलराइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि देहातों में ख़ासकर, अब तो सिटी में भी आ गया, अर्बन एरिया में भी आ गया है कि आपको फोकस जो है वो सोलर पे भी करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को, हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रिलीफ दें सोलर एनर्जी में भी या ग्रीन एनर्जी में। हम अपनी आवाम को जो है वो एक ऐसी रिलीफ दें ताकि वो उसकी तरफ जा सकें, ताकि जो है इस फिर हर चीज़ में जो पॉलिटिक्स होती है, अगर हम सोलर की तरफ जाएंगे तो आईबीपीज़ वाले अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आप जाएँ, फील्ड्स में जाएँ, तो हर किसी की अपनी पॉलिटिक्स होती है। अब सवाल ये थे, देखिए यहाँ पर बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कि एक ऐसा इशू क्रिएट करना चाहते हैं जो कि मैं नहीं समझता कि उसको सूबाइत का रंग दें। हमने फेडरेशन को मजबूत करना है। हमारे सूबे में, जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है, वहाँ पर आवाज़ उठती है कि जी हम सबसे सस्ती बिजली पैदा करते हैं, हम एक रुपये पर यूनिट पैदा करते हैं तरबेले में, और उस तरबेला का आधे से भी कम बिजली अगर दी जाए तो पूरा केपी जो है वो उससे मुस्तफीद हो सकता है। लेकिन ये वो नेशनल ग्रिड में देते हैं, वो बिजली हम दोबारा ख़रीदते हैं महंगी। हम सबसे ज़्यादा तेल पैदा करते हैं, 90,000 बैरल तेल इस मुल्क में पैदा होता है, जिसमें से 50,000 बैरल खैबर पख्तूनख्वा पैदा करते हैं। वहाँ के लोगों की शिकायत है कि हमारे पास आज तक जो है वो रिफाइनरी नहीं है। सबसे ज़्यादा गैस पैदा करते हैं अभी हम, लेकिन सर्दियों में गैस की लोशनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे इश्यूज हैं, तम्बाकू हम पैदा करते हैं, सेस फंड जो है मरकज लेते हैं, तो बहुत सी शिकायत हैं कि जो हम हमारी मरकज से भी हैं बाकी से। हाँ, फिर जब वहाँ पर ये आवाज़ उठती है कि जब गंदम की बारी आती है तो एक बाबू जो है वो पंजाब से एक डीसी खड़ा हो जाता है, वो ज़िला बंदी कर देता है कि आपने गंदम या आटा या मुर्गियाँ कभी कर देते हैं कि जी पोल्ट्री आप जो है वो ज़िला सूबा बदर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये एक मैं समझता हूँ कि एक बैड टेस्ट क्रिएट करती है। हमारी सूबाई हुकूमत से, पंजाब से भी इस पर बातचीत शुरू है कि ऐसी चीज़ों और ऐसी बातों को हमें नहीं करना चाहिए कि आपके, क्योंकि मैं खुद बॉर्डर पर रहता हूँ डेर इस्माइल खान में, और मेरे अक्रॉस बकर है, मेरे जो ज़मींदार हैं इलाके के, वो अक्रॉस रिवर जो है वो पंजाब से, क्योंकि गंदम जब काटते हैं वो पंजाब से बकर से आते हैं, और हमें पता है कि हम पूरा जो सीज़न में उनके लिए कितनी मतलब हमें ख्वारी करनी पड़ती है कि अपनी गंदम अपने घर लाने के लिए, क्योंकि हमारे उस इलाके की, क्योंकि हम जो अक्रॉस रोड रिवर जो देहात हैं उनको बिजली भी हमने फेस्को से दी है, बकर से और फेस्को से दी हुई है। तो ये मसाइल जो हैं ये आईपीसी के लेवल पर हमने इसको टेकअप किया, और इंशाल्लाह इस चीज़ को भी जो है हमल किया। देखिए, हमने हमेशा फोकस किया टैक्स की, आपने बात की है, मैं 100% एग्री करता हूँ कि जब तक टैक्स जोन को, टैक्स नेट को सही नहीं किया जाएगा इस ये मुल्क पर भी। आप देखें कि जो तनख्वाहदार का तबका है, जो टैक्स इस वक्त दे रहा है, हर साल उसका टैक्स आप बढ़ा रहे हैं, चलो ये तो जाल में फंस गया, चलो इसको तो काबू करो। हम ये नहीं कह रहे कि हम और लोगों को जो नहीं दे रहे टैक्स उनको भी इसके अंदर लाना चाहिए। उसके साथ साथ देखें, हमें इस वक्त, मैं खुद पिछले दिनों सेंट्रल एशिया के ताजिकिस्तान गया, इनागुरल फ्लाइट ताजिकिस्तान की इस्लामाबाद से शुरू हुई, उसके मैं इनागुरल फ्लाइट में था। दुशंबे जो है वो, अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद से जाएं तो कराची से भी नज़दीक है, 1 घंटा 15 मिनट की फ़्लाइट है, $300 उसकी रिटर्न टिकट है। मैं जब वहाँ पे गया, मुझे इतनी हैरानगी हुई कि वहाँ पर कारखानदारों को 2 सेंट पे बिजली मिल रही है, ठीक है। उनकी कॉटन यून इतनी ज़्यादा है कि वो 30-40% जो है वो डिस्पोज ऑफ जला देते हैं कि इस्तेमाल ही नहीं होती। मुझे इतना तजर्बा नहीं है बिज़नेस का, लेकिन वो जो चीज़ें मुझे दिखा रहे थे, ईरान ने वहाँ पे क्या किया है, ईरान ने वहाँ पर डैम बनाया, वहाँ से बिजली खींची और अपने मुल्क ले गए, सारी बिजली वहाँ से उठा के जितनी भी उनको चाहिए थी वो उठा से वहाँ पर, अपना टैक्स देने के बाद, अफगानिस्तान को भी इनको टैक्स देने के बाद। तो हमें जो है, हमें ज़्यादा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ, क्योंकि हमारा स्कोप जो है वो सेंट्रल एशिया की तरफ है, हम अमरीका, यूरोप, चाइना उधर दौड़ रहे हैं, उधर मार्केट इतनी कम्पिटिशन है कि हम उसमें कहीं कम्पीट कर सकते हैं कहीं नहीं कर सकते। लेकिन हमने अपने पड़ोसियों को, सेंट्रल एशिया को, हम सब ने इस चीज़ को इग्नोर किया जो कि एक ज़माने में जो है वो सारा कारोबार हमारे इस इन ममालिक के साथ है। सही। और अगर हम इस चीज़ पे भी फोकस करें,
अभी सितंबर में गालिबा उनका रोड शो हो रहा है ताजिकिस्तान का, फिर अक्टूबर में उनके एम्बेसडर ने मुझे बताया, पिछले शायद वो लाहौर भी आए हुए थे, कि उनकी एक बहुत बड़ी जो है वहाँ पर दुशंबे में सेंट्रल एशिया की जो है पूरे सेंट्रल एशिया की एक्सपो हो रहा है, उसमें भी वो बिज़नेस कम्यूनिटी को दावत दे रहे हैं। आप लोग भी की भी को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बिज़नेस कम्यूनिटी अगर उस पर हमारे जो बिज़नेस कम्यूनिटी के दोस्त हैं अगर उस पर सर्च करें और उनकी अगर कोई बिज़नेस वहाँ पर सेट हो सके तो मैं समझ बहुत ही बेहतरीन बात है। आपने भी वन ट्रांसिट की बात की, अब प्रॉब्लम यह है कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। हम अफगानिस्तान के साथ पड़ोस में पड़े हुए, और प्रॉब्लम यह है कि अगर हम अफगानिस्तान के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, मजबूरी हमारी, आपका अगर पड़ोसी बहुत ही मतलब है कि कंट्रोलेबल नहीं है, मुश्किलात पैदा करता है, लेकिन आपने उनके साथ एंगेजमेंट करनी है और उनके साथ हालात ठीक करने हैं, क्योंकि अगर हम सेंट्रल एशिया जाएंगे तो हम अफगानिस्तान के थ्रू जाएंगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि वो सेंट्रल एशिया बिजनेस कर रही है वाई ईरान, हमारा पोर्ट नहीं यूज़ कर रही क्योंकि उनकी बिजनेस अफगानिस्तान आते हैं। दुशंबे से पिशावर का सफ़र इतना है जितना इस्लामाबाद से लाहौर गए, 500 किलोमीटर दुशंबे और पिशावर, जब मैं वहाँ पे बॉर्डर पे गया कासा 1000 हो रहा है अगले साल, तो वो वहाँ पर जब मैं गया उनके साथ बैठा, उनके साथ मैंने बातचीत की, वो उन्होंने कहा आप तो ऐसे बातचीत करें जैसे आप हमें उधर ले जाना चाहते हैं, हम तो आ जाएंगे उधर लेकिन आप हमें 2 सेंट भी बिजली देंगे, आप हमें वो सहूलियात देंगे जो हमें अपना मुल्क दे रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कहा अच्छी बात होगी कि आप लोग इधर आके इन्वेस्टमेंट करें, अपनी फैक्ट्रीज लग गए, यहाँ से आप चीज़ें वहाँ पर ले जाएँ तो बेहतर होगा बनस्बत, और उनकी बात ठीक थी, 2 सेंट पर तो हम उनको बिजली नहीं दे सकते, वो चीज़ें वो महाराज जो उनको हुकूमत वहाँ पर दे रही है, शायद हम अपने जो है बिजनेस कम्यूनिटी को शायद इधर ना दे सकें, लेकिन हमें ये मार्केट जो है वो एक्सप्लोर करनी चाहिए। आपने टूरिज्म की बात की, इस वक्त जितनी टूरिज्म खैबर पख्तूनख्वा में कहीं पे भी नहीं, इस वक्त जो सिचुएशन इकोनॉमिकल सिचुएशन है, लोग जो पहले बाहर ममालिक जाते थे वो 50% जो है महंगाई की वजह से कट ऑफ हो गए हैं और वो बाहर नहीं जाते, वो पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप गर्मियों में जाएँ, हमें भी अक्सर दोस्त फ़ोन करते हैं, कोई स्वात जा रहे हैं, कोई नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं, कोई कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सहूलियात वहाँ पर हम अभी तक सूबाई हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत, लेकिन मेजॉरिटी सूबाई हुकूमत, क्योंकि 18 मिनट के बाद ये टूरिज़्म सूबाई हुकूमत का चैप्टर बन गया है, हम इतनी सहूलियात उनको नहीं दे पा रहे अपने टूरिज़्म को जितनी देनी चाहिए।